दिल्ली सीमा पर किसान संघर्ष पिछले करीब एक साल से चल रहा है और 32 किसान जत्थेबंदियों के बैनर तले किसान संघर्ष चल रहा है। कहा जाता है कि वह पंजाब विधानसभा का चुनाव 2022 में लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने माझा विधानसभा क्षेत्र से बीबी हरजीत कौर रंधावा को मजीठा का मुख्य सेवक नियुक्त किया, जिसके बाद बीबी हरजीत कौर रंधावा अपने समर्थकों और माझा अंचल के साथ कथुनंगल गुरुद्वारा बाबा बुद्ध साहिब में प्रभारी राजेश सिंह बग्गा के साथ नतमस्तक हुई। यहां पत्रकारों से बात करते हुए हरजीत कौर रंधावा ने कहा कि वह लंबे समय से भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह के साथ लोगों की सेवा कर रही है और वह जिला गुरदासपुर में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। अमृतसर से कैमरामैन मनी के साथ सोनू सोडी की रिपोर्ट, लाइव भारत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बाबा बुड्ढा साहब जी ने कृपा की है जी, अज बाबा बुड्ढा साहब जी के दर्शन करके उन्होंने चरणों से अरदास की है। गुरु ग्रंथ साहब जी के महाराज चरणों के अगे अरदास की है कि पातशाह असी कल्ले तुरे हाँ, काफिला तुसी बनाउणा साडे नाल। ते मजीठे हल्के तो साडे भैन जी ने, मेरी छोटी भैन आ बीबी हरजीत कौर जी, ए मजीठे हल्के के मुख सेवादार आप ला रहे हैं। तो महाराज कृपा करे, महाराज इन्हों बल बख्शे, विवेक बुद्धि बख्शे, तो महाराज इन्हों की चढ़ती कला बख्शे। तो साढ़े माझे हल्के जेडे पहले मुख सेवादार लगाए गए ने, यह साढ़े बीबी हरजीत कौर जी लगाए गए हैं। देखो जी, योध्या का माझा, माझा सारा ही जरनैल है। इतने घर घर मावां ने जरनैल जमे हैं। कोई भुलेखे ज ना रहे कि मैं कुर्सी पर बह गया तो मैं ही कला जरनैल हाँ। आपां कल्ले स्टेज दे उत्ते गज्जण वाले जरनैल नहीं हैगे, आपां दिखा दांगे, इतिहास बना के जावांगे। अहीं मैदान च वी गज्जण वाले हाँ। यह बीबी आई है, बीबी हरजीत कौर मेरी आ छोटी भैन आ। मैं वेखदा इहदी वाह वल किहड़ा तकदा, जिहड़ा वी इहदी वाह वल तकेगा मैं उहनूं जड़ां तों पुट के रख दांगा। मेरी छोटी भैन आ, इत्थे सेवा करन आई है। यह किसी के प्यो का नहीं है माझा, या किसी के प्यो का मजीठा नहीं है। यह साढ़े पंजाब का सांझा माझा है, पंजाब का सांझा मजीठा है। सेवा कोई भी कर सकता है, जिन्हों का तुम ना लै रहे जे, इन्हों तो पहले भी कोई सेवा करता रहा ही। तो हूँ चलो महाराज ने इन्हों जिनी की सेवा बख्शी है, कीता मालिक ने गांह कि भागा ने सेवा लिखी है। यह किसी के हाथ च थोड़ी है, किसी बंदे हाथ चो पातशाह के हाथ से किनू सेवा देनी है, तो किनू नहीं देनी। बाकी रहेगी डर दी, डर पै अं कढ के घरों तुरे हैं, अं सीस तली दे धर के तुरे हैं। अं अपना आप, अपना परिवार इस पंथ के उत्ते, इस देश के वारन वास्ते तुरे हैं जी। पहला तो वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। असी बाबा बुड्ढा जी के चरणों च आके नमस्तक होए हैं, उन्होंने आशीर्वाद लिया है। तो दूसरा यह आ कि साढ़े भारतीय किसान यूनियन चडूनी जी, उन्होंने नाल मैं पिछले काफ़ी लंबी समय तो जड़ा वा वो सेवा निभा रही हाँ किसानी की, गुरदासपुर के फतेहगढ़ चूड़िया, तो डेरा बाबा नानक, तो बटाले दे विच किसानी की सेवा जी मैं घर घर जाके लोगों जड़ा वा अवेयर कर रही हाँ किसानी लैके। तो हूँ जड़ा वा साड़ी सेवा जी लाई है सरदार गुरनाम सिंह चडूनी, तो साढ़े जोन इंचार्ज रजेश सिंह बग्गा ने, तो मैं उन्होंने जड़ा वा जो उन्होंने मेरी सेवा लाई आ कि मैं तय दिलो जड़ी निभावगी किसानी की, लैके मैं बीबिया तो यंग यूथ न अवेयर करांगी, क्योंकि बीबिया का साढ़े इतिहास के बहुत व्डा जड़ा आ योगदान आ। बीबिया ने इतिहास जड़ा देग दे नाल भी फतेह किया आ, तेग दे नाल भी फतेह किया वा। तो मैं चाहती हाँ कि हूँ जड़ा वा रल मिल के चलन का जड़ा वो टाइम आ गया वा। मैं ना इस चीज़ बारे गल कहना चाहती हाँ कि वेखो, पहली गल तो यह इलैक्शन असी कोई कैंडीडेट नहीं है, कोई इदा की गलबात नहीं हैगी। जेड़े चडूनी साहब ने इलैक्शन का जोड़ा ऐलान किया, इलैक्शन का ऐलान नहीं, एक मिशन इदा का, हरेक बंदे का मिशन आ, हरेक बंदे की आवाज़ आ। जे अज अपनी आवाज़ नहीं बुलंद करेगा तो कदों आवाज़ बुलंद करेगा? अज असी आवाज़ नहीं ना अपनी चक रहे तो आप कितने खड़े हाँ? तो आने वाले समय के असी ता ही कित ना कि पहुँचा, जे हरेक बंदा अपनी आवाज़ चकूगा, अपनी आवाज़ बुलंद करेगा।